महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए इस वक्त घमासान मचा हुआ है। दो बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस वक्त आपस में ही भिड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने दूसरी तरफ खड़े हुए कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कुछ समय पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता करी थी और यह कहा था कि दिवाली के बाद वो एक्सपोज करेंगे नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स को। आज देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता करी और सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते हैं। यह भी कहा कि मलिक परिवार ने एक बिजनेस डील करी थी उन लोगों के साथ जिनके सीधे संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। यह भी कहा कि मुंबई के सबर्बन इलाके कुर्ला में प्राइम लोकेशन LBS रोड पे एक बिजनेस डील करी गई उन लोगों के साथ जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे संबंध हैं। गोवा वाला कंपाउंड का जो जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया, ये वही जगह है, और कहा कि 3 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी LBS रोड इलाके में जो है उसको कौड़ियों के दाम मलिक परिवार ने खरीद लिया। पेपर पे तो 30 लाख रुपए का करार दिखाया लेकिन सिर्फ 20 लाख रुपए दिए गए। ये पूछा कि आखिर इस प्राइम लोकेशन पे करीब करीब 3 एकड़ की प्रॉपर्टी इतने कम दामों में कैसे खरीदी गई? क्या नवाब मलिक को यह नहीं पता था कि इन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते हैं? दूसरी तरफ नवाब मलिक ने भी एक प्रेस वार्ता करी और कहा कि ये जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। उनका या उनके परिवार का अंडरवर्ल्ड के साथ बिल्कुल कोई भी रिश्ता नहीं है। तमाम उनके पास पेपर्स हैं जो देखे जा सकते हैं। और ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस चाहे जिस एजेंसी को या शरद पवार को पेपर्स दिखाना चाहते हैं वो दिखा भी सकते हैं। ये भी कहा कि उनके पूरे राजनीतिक करियर में आज तक किसी ने भी उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस होने के आरोप नहीं लगाए। देवेंद्र फडणवीस पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने उन पर इस तरीके के आरोप लगाए हैं। और ये भी कहा अंडरवर्ल्ड का ये जो खेल है ये देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है और अब वो एक बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे और देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस को उजागर करेंगे। अब कल देखना होगा कि नई एलिगेशंस क्या होती हैं, एक्सपोजे क्या होता है, नवाब मलिक क्या नया सामने लेके आते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि ये राजनीतिक लड़ाई नया मोड़ लेती जा रही है। पर्सनल अटैक्स जैसा कि मैं कह रहा था कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर शांधा के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।